हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्री सॉफ्टवेयर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एंड्रॉइड मल्टी टूल के क्रेडिट कैसे बाय करते हैं। तो बहुत सारे भाइयों के यही मुझे कमेंट मैसेज आते रहते हैं कि भाई इसमें क्रेडिट हम कैसे लगाएं। तो ऑलरेडी मैं दो तीन वीडियोज इसके ऊपर बना चुका हूँ, ये मैंने चला के भी दिखा दिया है, इसका अकाउंट भी रजिस्टर्ड करके दिखाया हुआ है। तो वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो आप देख सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आज टाइम मिल गया तो ये वीडियो बना रहा हूँ, भाई आप क्रेडिट कैसे बाय कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम चले जाते हैं गूगल पे। ठीक है, तो आपके पास कोई भी इंटरनेट ब्राउजर है तो आप ओपन कर लें। तो मेरे पास ये इंटरनेट ब्राउजर है, मैं ये ओपन कर लेता हूँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें तो आने वाली वीडियो सबसे पहले आप भाइयों तक पहुंच सके। तो मेरे भाई हम यहाँ सर्च कर लेंगे एंड्रॉइड मल्टी टूल। ठीक है, तो एंड्रॉइड मल्टी टूल आप सर्च कर सकते हो या ए एम टी टूल लिख के भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ ए एम टी टूल, ए एम टी, ये मैंने लिख लिया ए एम टी टूल। ठीक है, तो इतना ही लिखना है शॉर्ट में, नीचे आ जाएगा आपके सामने। तो ये ऑप्शन आ रहा है, मैं सर्च कर लेता हूँ। तो ये पहली वेबसाइट जो आ रही है इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। ठीक है, और कहीं नहीं जाना है, यही वेबसाइट है, इसको ओपन करनी है। तो मैं कर लेता हूँ ओपन। उसके बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे। तो ये वेबसाइट जो है ओपन हो चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको ये टूल जरूर डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड कैसे करना है, स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है और ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, डाउनलोड का। और इसके साथ में वीवो के ड्राइवर दिए हुए हैं, क्योंकि ये खास वीवो मोबाइल के लिए अच्छा टूल है। ठीक है, तो वीवो के ड्राइवर भी दिए हुए हैं। ठीक है, इसको हम ओपन करेंगे तो देखो ये आ रहा है सपोर्ट का ऑप्शन। ठीक है, तो इसके ऊपर क्लिक करना है, ये आपके सामने जो भी मॉडल चेक करना है, देखो इसमें कितने ब्रांड दिए हुए हैं, ये आपके सामने ये ब्रांड चेक कर सकते हो आप। ठीक है, तो इसमें जो भी आप पहले चेक कर लें, भाई आपको अच्छा लगता है तो फिर बाय करें, नहीं तो ये कोई भी क्रेडिट इसमें लगाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो इसमें कम से कम आपको 10 क्रेडिट जरूर लगाने पड़ेंगे ओपन करने के लिए, टूल को ओपन करने के लिए 10 क्रेडिट लगाने पड़ेंगे। बाकी ये जितने के जितने मॉडल दिए हुए हैं ना, फ्री में हो जाते हैं। वीवो के दो तीन मॉडल हैं जिसमें आपके क्रेडिट कम होते हैं, बाकी आपके क्रेडिट उधर ही रहेंगे, आपके अकाउंट में रहेंगे सब कुछ। ठीक है, तो अब हम चलेंगे इसमें क्रेडिट बाय कैसे करते हैं। तो ये जो ऑप्शन आ रहा है ना, इसके ऊपर जाना है हमें। अब ये पूरे के पूरे जो नंबर दिए हुए हैं, ये रिसेलर है, इसको बेचने वाले हैं। ठीक है, जो आपको क्रेडिट लगा के देंगे। तो ये देखो, ये एक नंबर पड़ा हुआ है। ठीक है, आप देख लो, मेरे ख्याल में ये इंडिया का नंबर है, लेकिन जो भी बंदा जिस कंट्री का है ना, वो भाई अपनी कंट्री में अपने कंट्री का कोड तो जानता होगा कि भाई ये कौन सी कंट्री का कोड है। ठीक है, तो अब मैं स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे चला जाता हूँ, ये आप देखते जाओ। ज्यादातर मेरे ख्याल में इसमें बांग्लादेश के बंदे हैं और इंडिया के हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये बहुत सारे रिसेलर बैठे हुए हैं। ठीक है, इसको जब आप मैसेज करोगे, यहाँ क्लिक करो, इसका नंबर निकल आएगा, ये चला जाए, यहाँ क्लिक करो और चला जाएगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, उधर आप कांटेक्ट कर सकते हो इससे। तो मैं बैक कर देता हूँ इसको। तो जितने भी भाई लेना चाहते हैं ना, ये बिल्कुल अच्छा टूल है मेरे भाई। अब ज़्यादातर मुझे कमेंट आ रहे हैं कि भाई ये लाइफ टाइम चलेगा क्या, नहीं चलेगा। ठीक है, तो मेरे भाई मेरे ख्याल से तो ये लाइफ टाइम चलेगा, बहुत दिनों से चला रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया भाई मैं चला रहा हूँ, तो अभी तक कोई भी क्रेडिट भी कम नहीं हुआ है और बिल्कुल अच्छा चल रहा है। ठीक है, इसको मैं बैक कर देता हूँ, इसको ओपन करता हूँ आपके सामने। छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको और भी दे देता हूँ, ठीक है, शॉर्ट में बताऊँगा आप कैसे इसका अकाउंट जो है बना सकते हो। मैं ऑलरेडी वीडियोस वो बना चुका हूँ अकाउंट रजिस्टर्ड करने के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। अकाउंट बना के नहीं दिखाऊंगा, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूँ, तो समझदार भाई जो होगा समझ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से हम यस करेंगे। तो देखो ये ऑप्शन जो आ रहा है नीचे, ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड के नीचे जो ये ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ से
हम अकाउंट अपना बनाएंगे, ठीक है। तो उधर मैंने सब कुछ दिखा दिया है, आप कैसे इसमें क्रेडिट लगवा सकते हो। तो मेरे भाई देखो, अदर कंट्री वाले सारे बैठे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तानी बंदा आपको उधर कोई नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी अभी उसमें कोई भी नहीं ऐड। तो पाकिस्तानी, ये मेरा नंबर है, ठीक है, ये आप पाकिस्तान में रहते हुए कोई भी भाई लेना चाहता है तो मेरे से कॉन्टेक्ट करें। ये मेरा नंबर पड़ा हुआ है, इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करें और आपको ये मैं क्रेडिट लगा के दे दूंगा, ठीक है। तो इसमें आप अपनी जीमेल लगाएं, कोई रजिस्टर्ड जीमेल आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो जीमेल लगाएं, जीमेल लगाने के बाद आप अपना नाम लिख लें या और यहाँ पासवर्ड लिखें और उसके नीचे ये कंफर्म पासवर्ड लिखें, बस इतना कुछ होता है, ठीक है। ज्यादा कोई इसमें झंझट नहीं है, अनलॉकिंग में भी कोई झंझट नहीं है, ठीक है। आपने मोबाइल लगाया और आपका मोबाइल अनलॉक हो गया, तो कुछ भाई मुझे मैसेज कर रहे थे कि भाई इसका हम पासवर्ड और जीमेल भी आपको दे दें। तो मेरे भाई, मुझसे आप क्रेडिट लगवाना चाहो चाहे किसी और से लगवाना चाहो, आपको जीमेल और पासवर्ड जरूर देना पड़ेगा। तो ये जब तक आप जीमेल और पासवर्ड नहीं दोगे, तब तक कैसे बंदा क्रेडिट आपको लगा के देगा। और बाद में आप पासवर्ड चेंज करोगे ना, तो आप कर सकते हो, ठीक है। आपने जब पासवर्ड चेंज कर लिया, उसके बाद मैं चलाना चाहूंगा तो मुझे पासवर्ड लगाना होगा, ठीक है। तो मुझे तो आपका पासवर्ड बाद वाला जो है वो मालूम नहीं होगा। आपने जो दिया वो मैंने एक बार लॉग इन किया, उसके बाद आपने चेंज कर दिया, तो फिर से ये पासवर्ड मांगेगा, ठीक है, लॉग इन करने के लिए। तो वो पासवर्ड तो मुझे मालूम नहीं होगा, और फिर मैं जाके पासवर्ड आपका चेंज करूंगा तो आपको रिक्वेस्ट आएगी उधर, ठीक है, आपकी जीमेल पे उधर आपको रिक्वेस्ट आएगी। वो उधर आपको पूछा जाएगा कि भाई आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हो या नहीं। तो आप तो वैसे भी नहीं करोगे ना चेंज, तो मेरे भाई इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। आप जब जीमेल और पासवर्ड दे दोगे, उसके बाद जाके हम आपको क्रेडिट लगा के दे देंगे। आपने इधर अपनी जीमेल लगाई और इधर नेम लिख दिया, कोई भी आप अपना नेम लिख सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा पासवर्ड लिखो, इधर पासवर्ड को कंफर्म करो और रजिस्टर्ड अकाउंट कर दो। आपका जो है अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन करके देखोगे ना, तो आपको इधर दिखाएगा कि भाई क्रेडिट बाय करो, उसके बाद जाके चलेगा। तो मेरे भाई इसमें सिर्फ 10 क्रेडिट आपको लगाने होते हैं, बाकी मेरे हिसाब से फ्री टूल चल रहा है और बिल्कुल फ्री है। और आज तो इसकी लेटेस्ट अपडेट भी आ चुकी है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे इसमें क्या क्या अपडेट किया गया है और क्या क्या इसमें ऐड किया गया है, वो मैं जरूर आपको दिखा दूंगा। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।